राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू। विदिशा, विदिशा के अस्पताल के ग्रामीण जन जिला पंचायत पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी आपबीती बताई। उनका कहना था कि दो दिन से हो रही लगातार बरसात के चलते पूरे ग्राम में बाढ़ का पानी भर जाने से कच्चे मकान एवं झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारजनों की खाद्य सामग्री एवं गृहस्थी को काफी क्षति पहुंची है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है। मालूम हो कि यह गांव पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज द्वारा गोद लिया गया था। कौन से गाँव से आप? ग्राम पंचायत दुरिया, ग्राम पंचायत पानी ग्राम दुरिया। क्या समस्या वर्तमान में आपकी? समस्या जो आपदा आई है परसों के, उसमें इनको रात मिल सके, कुटी वगैरह जो भी रात मिल सके, वो समस्या। तो क्या गांव में किसी कुटी नहीं बनी अभी तक? एक भी, वो पोर्टल पर लॉक है। क्या वजह बताई जा रही सरकारी अधिकारियों को? 5 साल से जी बता रहे लॉक है, वो लॉक नहीं खुल गया। पंचायत में किस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है? ये आंदोलन नहीं है, ये पीड़ा है। हम 5 ग्राम पंचायत के ये सब लोग निवासी हैं, जितने भी हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब 5 के निवासी हैं। आज से 2 दिन पूर्व जो बाढ़ ने कहर बरपाया है विदिशा में, उसमें इन सब के घर डूब गए हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 5 एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण गांव है। सन 2011 में गरीबों के, हरिजनों के, कुटीरों के, प्रधानमंत्री कुटीरों के सर्वे किए गए थे। किसी क्लेरिकल मिस्टेक से, किसी अधिकारी कर्मचारी की मिस्टेक से 2011 में पूरे 5 पंचायत में एक भी नाम नहीं आया। ये उस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और ये सुनील रघुवंशी रामबाबू उसी गांव के निवासी हैं। आप तस्दीक कर सकते हैं, ये लोग बेचारे एक अधिकारी कर्मचारी की गलती का क्या समस्या क्या फिलहाल मैं आपको आगे बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। विगत 2 दिन पहले जो बाढ़ का पानी घुसा, तो कुटीरें अगर इनकी निर्मित होती तो वो पक्की होती। बेचारे सारे लोग अपनी व्यवस्था, कच्ची दीवारें, किसी की लकड़ी के ऊपर छावा लीपी से इनकी व्यवस्थाएं चल रही थी। पानी भरने से पूरे के पूरे मकान ध्वस्त हो गए। हम माननीय जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से अनुरोध करने आए थे कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित कोई कोटा हो, इन करीब 40-50 लोगों की, कुटीरों की आप सहमति स्वीकृति दें। उन्होंने ये बताया कि उनकी भी विषमता ये है कि पोर्टल पे वो 5 गांव दिख नहीं रहा, और 5 दिख नहीं रहा तो हम दे भी नहीं सकते। वो एक जने की 2011 की गलती आज तक ये कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, ये 5 वही गांव हैं जिसमें हमारी सुषमा स्वराज जब सांसद लड़ी थी, और 99% गाँव के लोगों ने उनको वोट दिया था, और बाद में उन्होंने उस गाँव को गोद लिया। मगर मेरे को बड़ी कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि वो सुषमा स्वराज जी अब आज की तारीख में हम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर वो केंद्र की इतनी बड़ी मंत्री रहीं। अगर वो चाहती तो ये सब काम वो करवा सकती थी। आज हमने सीईओ साहब से अनुरोध किया है, और अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम इनकी लड़ाई लड़ने माननीय राज्यपाल गवर्नर महोदय के पास। उमराव सिंह कुशवाहा जी, क्या समस्या है 5 गाँव में वर्तमान में? 5 गाँव में सर, अभी जो बाढ़ का जो कहर आया था, बाढ़ से पूरा गाँव पानी से लबालब भर गया था उस दौरान, और क्या हम गरीब परिवार के जो मकान है पूरी तरह ध्वस्त हो गए, और अब रहने के लिए उनको ठिकाना नहीं है। देखिए जरा, ये इस गांव को पूर्व जो सांसद थी, अपनी मंत्री भी रही हैं बहुत बड़ी, उमा भारती, सॉरी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। कुटीर क्या एक आध किसी गांव को में कुटीर नहीं क्या आएगा? नहीं सर, जब से लेकर 2011 से आज तक एक भी प्रधानमंत्री कुटीर नहीं बना। तो इसके लिए आपने कोई शिकायत, कोई आंदोलन? बराबर समय समय पर अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीईओ साहब को हमेशा अवगत कराते रहे, कुछ ना कुछ बहाना करके आज तक भी वहाँ पर किसी भी गरीब की एक भी क्या कहना क्या अधिकारियों का? उनका मानना है कि 2011 में जो सर्वे हुआ था उसमें किसी भी कोई टेक्निकल की वजह से वो गाँव खुल नहीं पा रहा। तो सर ये तो टेक्निकल है, बाकी लोगों का मानना यह है कि सरकार सब कुछ कर लेती है, तो ये सारे लोग फिर गुहार लगाने के लिए उसी परंपरा में आए थे कि आज तो सर वो कच्चे मकान थे वो ढह गए, अब हम कहाँ रहें। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू।